जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं चिकन टिक्का अफगानी पुलाव, जो कि बहुत आसान और बेहतरीन बनता है। आधा किलो चावल ले लिए और 1 किलो हमने ले लिया चिकन टिक्का। तो चले आए सीखते हैं चिकन टिक्का अफगानी पुलाव। सही जी, बिस्मिल्लाह। देखिए, हमने 1 किलो चिकन टिक्का ले लिया और आधा किलो हमारे चावल हैं, कौन से, सेला। उसको हमने 2 घंटे पहले भिगो दिए थे। अच्छा, इस तरह से इसको कट लगा देना, पूरे पूरे साबुत चिकन टिक्का रखें। तो चलें सबसे पहले चिकन टिक्कों को मैरिनेशन करना है। देखें, हम तकरीबन हमने 100 ग्राम के करीब या फिर 5 टेबल स्पून दही ले लिया हमने। उसको थोड़ा सा हमने फेंट लिया, वो इसके अंदर चला जाएगा। अच्छा जी, नमक ले लेंगे तकरीबन 1 टीस्पून के करीब नमक ले लिया हमने, वो डाल दिया हमने। लहसुन अदरक का पेस्ट है, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, 1 टेबल स्पून हमने बचा लिया। ये है हमारी हरी मिर्चों का पेस्ट, 1, तो ये हो गया 2 टेबल स्पून हरी मिर्चों का पेस्ट हमने इसमें मिला दिया। ये इधर चलते हैं। अच्छा जी, इसके अंदर और हमने क्या डालना है, और हमने डालना नमक डाल दिया। बस ये 2-3 चीज़ें मिला देनी इसको अच्छी तरह हमने। अच्छी तरह हाथ से मिला लो। सही जी, इसको हमने तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ देना बाहर ही, ऐसे बंद करके, या फिर ज़्यादा गर्मी है तो फ्रीज में रख दें। तो चले आए, बाकी हम आपको बताते हैं कि किस तरह हमने क्या कर। सही जी, और हमें क्या चाहिए, चिकन तो हमने रख दिया, अब हमें चाहिए 1 टेबल स्पून और लहसुन अदरक का पेस्ट, 4 टेबल स्पून किशमिश, उसको पानी में हमने डिप करके रख दिया, 2 बड़ी गाजरें उसको बारीक बारीक फिंगर स्टाइल से काट लिया, 2 बड़े टमाटर उसको बारीक हमने काट लिया। अच्छा जी, मिर्चें चाहिए होंगी 1 टीस्पून लाल मिर्चें, वाइट पेपर 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून काली मिर्च है, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। धनिया पाउडर चाहिए होगा 2 टेबल स्पून। अच्छा, जीरा पाउडर चाहिए होगा 1 टेबल स्पून, गरम मसाला चाहिए होगा 1/2 टीस्पून, चाइनीज सॉल्ट अगर डालना चाहते हैं तो 1 टेबल स्पून, नमक हसबे ज़रूरत या फिर 1 टीस्पून। तो चले आए, इसको बनाते हैं। और हमें ऑयल चाहिए होगा तकरीबन 1 से 1.5 कप। सही जी, हमने 1 कप ऑयल डाला है। इसके अंदर सबसे पहले हमें अपनी गाजर और ये किशमिश डाल देंगे। इसको हल्की सी फ्राई करके निकाल देना। सही जी, 1 से 2 मिनट बस इसको फ्राई करना, ज़्यादा नहीं करेंगे, ज़्यादा करेंगे तो नरम हो जाएगी। बस हल्का सा इसको हमने इसका कच्चा पूरा ख़त्म करना और फिर इसको हम निकाल लेंगे। सही जी, हमने निकाल लिया, फिर हम आते हैं आपको बताते हैं क्या करना। सही जी, हमने तकरीबन 1 घंटे इसको मैरिनेशन करके रख दिया। अब हमने वही जो ऑयल जिसके अंदर हमने गाजर बोली थी उसको डाल देना। तो ये इसका दही का जो बचा था वो भी पानी से लगता है। इसको पलट दें। हम इसको हल्की आंच पे छोड़ देंगे, ऊपर से ढक देंगे और इसको पकने देंगे अच्छी तरह। इतना करेंगे कि जब तक ये चिकन गल जाए बिल्कुल, और फिर हम बताते हैं कि आगे क्या। सही, ये देखें 5 से 7 मिनट हमने इसको पकाया। अब हमने इसके अंदर तमाम मसाले ऐड करने हैं। सबसे पहले जाएगा हमारा 1 टीस्पून लाल मिर्च, वाइट पेपर 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून काली मिर्चें, 1/2 टीस्पून गरम मसाला,
1 टेबल स्पून चाइनीज सॉल्ट, वन टेबल स्पून एंड हाफ धनिया पाउडर। ये जो हमने लहसुन अदरक का पेस्ट बचाया था, वन टेबल स्पून हो जाएगा। ये टमाटर दो, नमक मैंने 1 टीस्पून और डाल दिया था क्योंकि पुलाव के अंदर थोड़ा ज्यादा नमक होता है। अब हम इसको दोबारा छोड़ देंगे। तो ये प्याज हमने ब्राउन किया हुआ ले लिया आधा कप, ये हम डालेंगे बाद में। तो हम ऊपर से ढकते हैं और तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए और छोड़ते हैं, फिर आते हैं, फिर बताते हैं। सही जी, बिस्मिल्लाह, हमने 5 मिनट दोबारा इसको पकाया और उसके अब देखें राने आपकी फर्स्ट क्लास हो चुकी है, पक चुकी है। पूरा पूरा चिकन टिक्का आपका तैयार है। अब हम इसको अलग से निकाल लेंगे। सही जी, आग हल्की करके जो हमने चावल डिप किए हुए थे उसको हम इसके अंदर करेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कितना पानी हमने रखना है इसके अंदर। इतना पानी कि हमारे चावल इसमें डिप हो जाए। सही जी, बिल्कुल पानी नहीं भरना, इतना रखना है कि जिसके अंदर हमारे चावल डिप हो। देखिए जिसको मिक्स कर देना हमने। इसी दौरान ये जो हमारा ब्राउन किया हुआ प्याज है ये भी हम इसमें मिला देंगे। तेल राज में हम पकाएंगे, नमक चेक करेंगे। ये नमक सही है, थोड़ी सी हम इसमें ब्लैक पेपर का इजाफा करेंगे और थोड़ी सी हम इसमें डाल देंगे ये मिलेंगे। देखिए सौंफ, ये सौंफ ले ली तकरीबन हमने 1 टीस्पून ज्यादा नहीं, इसको मोटा मोटा कुट लेंगे। ये सौंफ आ गई हमारी। अच्छा जी, कई लोग इसके अंदर साबुत गरम मसाला भी डालते हैं लेकिन वो अच्छा नहीं लगता। 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम और गरम मसाला ऐड कर देंगे इसके अंदर। ये काली मिर्च है, 1/2 टीस्पून काली मिर्च और ऐड कर। अगर आप अजवाइन डालना चाहें तो 1/4 टीस्पून अजवाइन भी आप डाल सकते हैं। मिक्स कर दें अच्छी तरह। ये तेज आंच मैंने कर दी, इस पर पकेगा ये, इतना पकाएंगे इसका पानी सुखाएंगे बिल्कुल, फिर पानी सूख जाए फिर इसको हम दम पे लगाते हैं, फिर आपको बताते हैं क्या। सही जी, पानी सूख गया, नीचे हमने तवा रख दिया और हल्की आंच पे अब इसको हमने तकरीबन 5 से 10 मिनट पकाना है। और ये चिकन ऊपर लगा देंगे हम इस पे। थोड़ा
दम पे चढ़ा दिया, बिल्कुल स्लो कर दिया, 5 से 6 मिनट दम पे रखेंगे, उसके बाद आते हैं फिर आपको। सही जी, 7 से 8 मिनट हमने दिया इसको दम, और फर्स्ट क्लास हो गया। चले आए, अब इसको निकालते हैं फिर आपको दिखाते हैं। सही जी, हम निकाल रहे हैं इसको। माशाल्लाह आधा किलो चावल के हैं, जो गुलशन में और इधर उधर बैठे हुए हैं, 2,000-2,200 रुपए का प्लेटर बना के दे रहे हैं, तो वो क्या है, वो लूट रहे हैं आवाम को। एक पाव चावल भी नहीं होते, उसके ऊपर 2 दिन कबाब लगा दिए, 2 दिन ये लगा दिए, थोड़ा सा सॉस डाल दिया, मायनेज डाल दिया, कबाब लगा दिए, चलो जी 2,200 रुपया। उन्होंने तो हद मचाई है, हद। तो मेरी डीसी कराची और जो फूड इंस्पेक्टर हैं कराची के, उनसे अपील है कि जाएं और उन होटलों का विजिट करें जो कि आवाम को बुरी तरह लूट रहे हैं ये लोग। और सबसे बड़ी बात, आवाम भी हमारी लुट रही है, देख रही है, मगर फिर लुट रहे, समझ नहीं आता क्या है। हमारा ये हो गया अफगानी चिकन टिक्का पुलाव तैयार। इंशाल्लाह ताला से खाइएगा और आपको मजा आ जाएगा, आप बोलेंगे कि हाँ वाकई। तो इसके साथ ही पाकिस्तान जिंदाबाद।